हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथ्स। सो इसमें हम करेंगे आज प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? सो 1 to 9 जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने देखा तो 1 2 3 4 5 6 8 9 वो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर सिम्बल्स यूज फॉर नंबर्स। तो ये सिम्बल्स ऐसे हैं जो नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं। दे आर कॉल्ड डिजिट्स। इन्हें क्या बोला जाता है? डिजिट्स। प्रैक्टिस राइटिंग द डिजिट्स, प्रैक्टिस राइटिंग द डिजिट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका प्रैक्टिस करना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, सो कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है? बहुत ईजी है। आपको यहाँ पे इस तरीके से 1 लिखना है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है, और यहाँ पे आपको 4 लिखना है, यहाँ पे 5, ओके, और 5 के बाद यहाँ पे आपको 6 7 8 एंड 9 इस तरीके से लिखना है। और ये जितने लाइन हैं सबको इस तरीके से भरना है आपको, ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए पूरा, यहाँ से लेके ऊपर से 1 2 इसमें पूरा लिखना है, इसमें पूरा, ये पूरा फील करना है। 1 2 3 4 5 जो भी इस तरीके से दिए गए हैं आपको फील करना है। ओके, सो ये आप कर लेना। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 5 6 7 है यहाँ पे, सो 8 एंड 9। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। क्या है नेक्स्ट चैप्टर? काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पे आपको काउंट करना है, और जो करेक्ट नंबर है ना उससे आपको सर्कल करना है। किस तरीके से? देखिए वहाँ, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, 4 7 3 5, बट ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 को इसने सर्कल किया हुआ है। ऐसे ही आपको भी करना है। अब इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 3 7 6 8, बट हमें किस पे सर्कल करना है, तो 6 पे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं बर्ड्स, तो यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें सर्कल करना है। देयर इज 6 बर्ड्स एंड हियर देयर आर 4 पैरट। ओके, एज यू कैन सी हियर द ब्यूटीफुल 2 पिकॉक्स। ओके, यहाँ पे 2 पिकॉक्स हैं, तो कितने हैं, 1 एंड 2। वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको 2 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे यू हैव टू सर्कल ऑन 2। अब यहाँ पे देखते हैं कितने सारे डक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 डक्स। सो यहाँ पे अब देखिए 9 किधर है, 8 है, ये तो 7 है, ये रहा 9, और ये तो 6 है, 6 को नहीं करना है आपको। कितने, किसे करना है सर्कल, कितने डक हैं, तो 9 डक हैं। आप फिर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 ducks, ओके, एंड देयर आर, ये देखिए कि क्या यहाँ पे क्रो हैं, आई थिंक, तो कितने क्रो हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए 5 किधर है, देयर इज 2 5 4 3, तो 5 किधर मिला आपको, ये रहा 5, इसे सर्कल करना है। अब यहाँ पे देखिए ऑल है, ये कौन सा बर्ड है, ऑल, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं, तो हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है 8 किधर है, 7 8 9 6, लेकिन यहाँ पे कितने आउल हैं, तो आउल यहाँ पे 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को आपको सर्कल करना है। ओके, तो ये रहा हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हुआ। तो आपको ये देखना है, यहाँ पे 4 हैं, तो 4 को ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे आपको 6 है, तो यहाँ पे 6 को सर्कल करना है। काउंट करके आपको जस्ट लिखना है, उसके नीचे सर्कल करना है, लिखना भी नहीं, बस सर्कल ही करना है। यहाँ पे 2 पिकॉक्स, ये पिकॉक है, ठीक है, तो 2, और यहाँ पे कितने हैं, 9 है, हमने काउंट किया, तो 9 पे
करेंगे, आपको ये नंबर्स पहचानना आने चाहिए आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि नंबर्स कौन 8 है, कौन सा 7 है, कौन सा 9 है, वो आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो काउंट आप कर ही लोगे, तो जिस तरीके से आप काउंट करोगे कितने सारे हैं, तो आप अगर आइडेंटिफाई कर लोगे कि अरे 5 क्रोज हैं, तो 5 पे आपको सर्कल करना रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, इन्हें आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तो इसे आप लर्न करिए अच्छे से, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। और इसमें तो आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है 1 2 3। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना अगर इसमें, तो यहाँ पे आपको ये वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, तो पहले आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, उसके बाद ये वाला आप देखना, ठीक है, और ये वाला करना आप चैप्टर,